Hello students, let's see this question. The question says, which of the following is an incorrect representation of the order of the reaction? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट किसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर जो लिखा हुआ है रिएक्शन के आगे वो किसमें गलत लिखा हुआ है। तो पहला है N2O5 गैस है, ये डिकम्पोज होता है 2N2 गैस में एंड हाफ O2 गैस में, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 पर डिपेंड करेगी सिंगल पावर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकेंड में है, टू मॉलिक्यूल्स आपके CH3CHO के लिए हैं, ये डिकम्पोज होके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 एंड दो मॉलिक्यूल आपको CO के देते हैं, इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर भी जो रेट होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 2 पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। या अच्छा, सेकेंड थर्ड रिएक्शन लिखिए सी में, H2O8 2 नेगेटिव 2I नेगेटिव के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है और 2SO4 2 नेगेटिव प्लस I2 देता है, इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये बिल्कुल फॉल्स है, एक्चुअल में यहाँ पर जो रेट होती है ये सेकेंड ऑर्डर रेट फॉलो करता है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सो ये हो जाता है H2O8 2 नेगेटिव की पावर 1 एंड I नेगेटिव की पावर 1, तो दोनों की नेगेटिव पावर 1 होती है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना या तो ये ऐसे समझ सकते हैं या फिर इसकी रेट और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये भी हो सकती है कि के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O8 2 नेगेटिव पावर 2, ये भी तो सेकेंड ऑर्डर होगा, हो सकता है आयोडाइड पे डिपेंड ना करे, ये हो सकता है आयोडाइड पे डिपेंड करो, तो ये सिर्फ ये रिएक्शन देख के बताना मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। बट ये पता है कि ये जो रिएक्शन होती है पर सल्फेट की आपकी आयोडाइड के साथ में, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।